नमस्कार जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज पंच तत्व में विलीन हो गए हैं। दिल्ली के लोधी रोड स्थित अंतिम निवास पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व राष्ट्रपति को आखिरी विदाई दी गई है। इससे पहले पीएम मोदी, राष्ट्रपति कोविंद समेत पूरे देश ने भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी का निधन 84 वर्ष की उम्र में हुआ है। भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में मौजूद एक अहम चोटी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। साथ ही सेना ने चीनी कैमरे और सर्विलांस सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दिया है। ये चोटी रणनीतिक रूप से काफी अहम मानी जाती है। लद्दाख में 29 और 30 अगस्त की आधी रात को इसी चोटी पर चीन कब्जा करना चाहता था, लेकिन सेना ने चीन की साजिशों को नाकाम कर दिया था। भारत के दक्षिणी चोटी पर कब्जे के बाद चीन बुरी तरह से बौखला गया है। विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, भारत और चीन के बीच विवाद की मुख्य वजह सीमा का निर्धारण नहीं होना है। हम भारत से बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार हैं। वहीं विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि चीन ना तो कभी युद्ध भड़काने में विश्वास रखता है, ना ही हमने किसी दूसरे देश की एक इंच जमीन कब्जाई है। हमारी सेना ने कभी भी सीमा पार नहीं की। भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर तिब्बत बॉर्डर पर भारतीय वायुसेना ने गश्त बढ़ा दी है। वायुसेना के विमान हिमाचल के किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले के तिब्बत बॉर्डर पर उड़ाने भर रहे हैं। इसी इलाके में चीन अपने क्षेत्र में बॉर्डर के समीप सड़कों का निर्माण तेजी से कर रहा है। आपको बता दें कि करीब 242 किलोमीटर का इलाका तिब्बत सीमा से लगता है, जहां चीनी हेलीकॉप्टरों की आवाजाही देखी गई थी। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस बिपिन रावत, आर्मी चीफ एमएम नरवणे और डीजीएमओ शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच सैन्य स्तर की बातचीत जारी है। इस वार्ता में सीमा विवाद को घटाने पर चर्चा की जा रही है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच मोदी सरकार ने 4 राज्यों में उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम भेजने का फैसला किया है। केंद्रीय टीम उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ का दौरा करेगी। दरअसल चारों राज्यों में पहले कोरोना संक्रमण बेहद कम था, लेकिन कुछ दिनों से संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। केंद्रीय टीम की रिपोर्ट पर मोदी सरकार संक्रमण रोकने पर कई कदम उठाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली है। गृहमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। अमित शाह ने मौन रहकर प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी तस्वीर ट्विटर पर डाली है। आपको बता दें कि शाह को कोरोना हो गया था। पहले मेदांता और फिर एम्स में भर्ती हुए थे। दिवाली में अपने घरों को जाने वालों को रेलवे ने राहत देने का बड़ा ऐलान किया है। रेलवे ने दिवाली और दशहरा त्योहारों के मद्देनजर 100 और ट्रेनें चलाने की इजाजत दी है। रेलवे ने कहा कि दिवाली के लिए अभी से टिकट की बुकिंग शुरू हो गई। टिकटों की बुकिंग में तेजी देखने के बाद 100 और ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। इसके बाद छठ पूजा के लिए अलग से ट्रेनें चलाने पर फैसला किया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दूर संचार कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को AGR बकाया देनदारी चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि 31 मार्च 2021 तक टेलीकॉम कंपनियां अपने कुल बकाए के 10% हिस्से का भुगतान करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोरोना के चलते ये समय बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मॉरेटोरियम पर छूट देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोन मॉरेटोरियम योजना 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसे बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार और RBI फैसला कर सकते हैं। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि कोरोना संकट में लोन मॉरेटोरियम में दिसंबर तक छूट दी जाए, जिससे लोगों को आर्थिक राहत मिल सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST को लेकर कारोबारियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 का GST रिटर्न दाखिल करने में सरकार ने छूट दी है। इसके तहत कारोबारियों के लिए समय सीमा 2 महीने और बढ़ा दी गई है। अब GST 31 अक्टूबर 2020 तक दाखिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि आर्थिक संकट के चलते व्यापारी GST नहीं दे पा रहे हैं। सुशांत सिंह मामले में CBI रिया के बाद उनके माता पिता से भी पूछताछ कर रही है। CBI के बुलावे पर रिया के माता पिता DRDO के अतिथि गृह पहुंचे। सुशांत मामले में CBI पहली बार रिया के माता पिता से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि CBI रिया के पेरेंट से रिया और सुशांत के रिश्ते, वित्तीय लेनदेन और कंपनी को लेकर सवाल पूछ सकती है। CBI जांच के बीच सुशांत सिंह मामले में नया मोड़ आ गया है। अब सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया सुशांत के परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने दावा किया है कि सुशांत राजपूत का परिवार
उसे डिप्रेशन के बारे में जानता था। इसके बावजूद उन्होंने जांच थोटी और सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठे बयान दिए। चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ अमेरिका ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अमेरिका नाटो की तर्ज पर एक संगठन बनाना चाहता है, जिसमें अमेरिका अपने साथ भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करेगा। चारों देश की सेनाएं एक साथ मिलकर चीन की दादागिरी एक झटके में धूल में मिला सकेंगी। इसको लेकर अमेरिका उप विदेश मंत्री स्टीफन बिगन ने जल्दी ही चारों देशों के बीच दिल्ली में मीटिंग होने के संकेत दिए हैं। राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को अशोक लवासा के स्थान पर नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। वे मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं। आपको बता दें कि अशोक लवासा ने पिछले दिनों इस्तीफा दे दिया था और वो मनीला में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 27 सीटों से सिर्फ 15 लोगों को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया है। फिलहाल बाकी बची 12 सीटों पर टिकट के दावेदारों के नामों पर अंतिम दौर का मंथन चल रहा है। हिमाचल के कुल्लू की बेटी ने सफलता का झंडा गाड़ दिया है। 22 साल की जया सागर को यूनाइटेड किंगडम में पढ़ाई के लिए 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है। जया एशिया की इकलौती छात्रा है जिन्हें 4 साल की PhD की स्कॉलरशिप दी गई है, जिसका विषय क्वांटम कंप्यूटिंग होगा। आपको बता दें कि जया ने NIT हमीरपुर से इसी साल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। 1996 बैच की तेलंगाना कैडर की IPS अधिकारी चारू सिन्हा को श्रीनगर CRPF की पहली महिला IG बनाया गया है। ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर में आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। आपको बता दें कि चारू सिन्हा बतौर IG CRPF बिहार में काम कर चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ बेहतरीन काम किया। उनके नेतृत्व में विभिन्न नक्सल विरोधी अभियान चलाए गए। CAA NRC पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रासुका के तहत गिरफ्तार किए गए डॉक्टर कपिल खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने डॉक्टर कपिल को तुरंत रिहा करने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कपिल पर लगी रासुका को भी हटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि रासुका के तहत गिरफ्तारी अवैध है। आपको बता दें कि डॉक्टर कपिल की मां ने गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई थी। डॉक्टर कपिल खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस नेताओं को बधाई दी है। प्रियंका ने कहा कि पूर्वी यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ता कपिल की रिहाई और न्याय देने की मांग कर रहे थे। आज हाईकोर्ट से डॉक्टर कपिल को जमानत मिल गई है। ये न्याय मिलने की दिशा में एक कदम है। आपको बता दें कि प्रियंका ने यूपी सरकार को पत्र लिखकर डॉक्टर कपिल की रिहाई के लिए अपील की थी। हरियाणा में कोरोना वायरस के सामुदायिक फैलाव का खतरा बढ़ गया है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य महकमे का फोकस अब कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर होगा। जिले में संक्रमित मरीजों के संपर्क में कितने लोग आ चुके हैं, उन पर काम किया जाएगा। अब स्वास्थ्य विभाग ने रोजाना 25,000 से अधिक सैंपलिंग करने का टारगेट रखा है। राज्य में मृत्यु दर पर नियंत्रण पाना सरकार के लिए चुनौती बन गया है। राजधानी दिल्ली में आज से सीरो सर्वे का तीसरा चरण आरंभ हो गया है। 1 से 5 सितंबर तक चलने वाले सर्वे में सभी जिलों से 15,000 से ज्यादा लोगों के ब्लड सैंपल लिए जाएंगे। इससे ये पता चल सकेगा कि कितने प्रतिशत लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है। सर्वे में पहले की तरह ही हर इलाके और हर उम्र के लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। इसमें वे लोग शामिल नहीं होंगे जिनके नमूने पूर्व में लिए जा चुके थे। केजरीवाल सरकार के केवल ट्यूशन फीस लेने के आदेश के बाद निजी स्कूल संचालक बहुत परेशान है। स्कूलों के एसोसिएशन ने सरकार के इस आदेश को गलत बताया है। उनका कहना है कि ऐसे में तो स्कूलों को बंद करना पड़ जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस वसूलने का आदेश दिया है। स्कूल अभिभावकों से वार्षिक शुल्क या विकास शुल्क नहीं मांगेंगे। आदेश में कहा गया है कि फीस न देने पर बच्चे की ऑनलाइन कक्षाएं बंद नहीं की जाएंगी। केंद्र सरकार ने पंजाब में केंद्रीय पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री और अधिकारियों द्वारा 63,91,00,000 रुपए के कथित घोटाले का मुद्दा उठाया था। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर थावर चंद गहलोत और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग उठाई थी। जयपुर विकास प्राधिकरण ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए बकायेदारों से वसूली तेज कर दी है। इसी कड़ी में GDA ने जयपुर एयरपोर्ट को नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि उस वक्त बकाया 150 करोड़ का तत्काल भुगतान किया जाए। दरअसल GDA ने जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी को विस्तार करने के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन दी थी, जिसका अभी करीब 150 करोड़ रुपए बकाया है।
मुस्लिम लीग पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मुस्लिम लीग के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अल्हाज नईम अख्तर ने कहा है कि उनकी पार्टी ने बिहार के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र सीमांचल में अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। वो सीमांचल की 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। आपको बता दें कि ओवैसी ने भी विगत दिनों अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने की घोषणा की थी। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की हालत गंभीर हो गई है। तरुण गोगोई कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अचानक ऑक्सीजन लेवल कम होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें एक यूनिट प्लाज्मा और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखने का फैसला किया है। दिल्ली हाईकोर्ट की 5 बेंचों ने आज सुनवाई शुरू कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में बाहर से आने वाले लोगों के लिए बस अड्डों पर कोरोना टेस्ट की सुविधा शुरू करने का आदेश दिया है। ये सुविधा दिल्ली सरकार को 7 दिन के अंदर शुरू करानी होगी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल को देश भर की अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करने का आदेश दिया था। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने राज्यों को 2 विकल्प दिए हैं, जिसमें राज्यों को कर्ज लेने और फिर पुनर्भुगतान करने के लिए कहा गया है। केजरीवाल ने कहा कि इससे राज्यों पर भारी बोझ पड़ेगा। केजरीवाल ने पीएम मोदी से कोरोना से उबरने के लिए कानूनी रूप से व्यवहार्य विकल्प पर विचार करने की अपील की है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने उपचुनाव से पहले सिंधिया के चलते नाराज चल रहे पार्टी नेताओं को मनाना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बाद अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ग्वालियर पहुंचे हैं। उन्होंने नाराज पूर्व मंत्री जयभान सिंह से बंद कमरे में घंटों बातचीत की। इससे पहले गृह मंत्री ने ग्वालियर में जयभान सिंह, अरुण मिश्रा और माया सिंह जैसे बीजेपी के नाराज वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की थी। यूपी के प्रयागराज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख और हिस्ट्री सीटर दिलीप मिश्रा पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि हिस्ट्री सीटर ने आपराधिक प्रभाव के जरिए कई संपत्ति अर्जित की हैं। इन संपत्तियों को चिन्हित कर लिया गया है। अब तक करोड़ों रुपए की 12 संपत्तियों की सूची तैयार हो चुकी है। जिन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए डीएम प्रयागराज भानु चंद्र गोस्वामी ने निर्देश जारी किए हैं। केरल के सोना तस्करी मामले में एनआईए की जांच में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को राहत मिलती दिख रही है। हाई प्रोफाइल 500 करोड़ के सोना तस्करी मामले में एनआईए से संकेत मिल रहे हैं, जिसमें तस्करी में जो गैंग शामिल था उन लोगों से सीएम विजयन का कोई कनेक्शन नहीं मिला है। आपको बता दें कि सोना तस्करी मामले में कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से इस्तीफा मांग रहा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली बवाल से जुड़े एक मामले में युवती की जमानत मंजूर की है। महिला संगठन पिंजरा तोड़ की सदस्य और जेएनयू की छात्रा देवांगना करिता को सशर्त जमानत दी गई है। छात्रा को 25,000 रुपए का निजी मुचलका भी भरना होगा। वहीं हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कलिता गवाहों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करेंगी। अदालत ने कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर बसपा प्रमुख मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि यूपी की भाजपा सरकार में सर्व समाज के लोग हर प्रकार की जुल्म ज्यादती से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलितों के साथ अन्याय और अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तलाशी अभियान के दौरान जवानों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। भारतीय जवानों ने एलओसी के पास दहशतगर्दों के छिपने के ठिकाने को नेस्त नाबूद कर दिया है। इस दौरान जवानों ने 5 AK-47, 6 मैगजीन और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की कोरोना रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आई है। संक्रमण को लेकर बीते रविवार को सीएम खट्टर का टेस्ट किया गया था, जिसमें सीएम की रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री खट्टर को संक्रमण के चलते 10 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीएम खट्टर डायबिटीज के भी मरीज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग पर बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने मंदिर प्रबंधन समिति को निर्देश दिया है महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग के संरक्षण पर जोर दिया जाए, ताकि शिवलिंग के होते क्षरण को बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई थी कि शिवलिंग का क्षरण तेजी से हो रहा है, इसे रोकने के लिए गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। बिहार चुनाव से पहले मांझी की हम और नीतीश की जेडीयू के बीच होने वाला गठबंधन अटकता दिखाई दे रहा है। जीतनराम मांझी ने एनडीए में शामिल होने के लिए जेडीयू के सामने एक शर्त रख दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में आगामी एमएलसी चुनाव में उन्हें एक सीट दी जाए, लेकिन नीतीश के इशारे पर जेडीयू ने सीट देने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि एमएलसी की एक सीट वाली शर्त गठबंधन में रोड़ा बन सकती है। नैनीताल की नैनी झील में एक बार फिर 5 महीने बाद रौनक लौट आई है। यहां आने वाले पर्यटकों को आज से वोटिंग का लुत्फ उठाने का मौका मिल जाएगा। नैनीताल पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी ने बताया कि सभी नावों और लाइफ जैकेट्स को
पहले सैनिटाइज किया जाएगा। इसके बाद झील में नावों का संचालन शुरू हुआ, साथ ही नाव चालकों को कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को दोबारा से जेल भेजने की मांग तेज हो गई है। इसको लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि लालू चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं, फिर भी उन्हें रिम्स के निदेशक स्तर के बंगले में रखा गया है, जबकि सजा होने के चलते लालू को जेल में होना चाहिए। फिलहाल हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए तारीख तय नहीं की है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के घर कोरोना की एंट्री हो गई है। उनके छोटे बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे बीते दिनों राजस्थान के कोटा शहर गए हुए थे। बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से विजयवर्गीय के पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है। जियो में बड़े पैमाने पर निवेश हासिल करने के बाद मुकेश अंबानी अब रिलायंस रिटेल को लेकर बड़ी तैयारी में जुट गए हैं। सूत्रों की माने तो दिग्गज रिटेल कंपनी वॉलमार्ट की ओर से रिलायंस रिटेल में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। रिलायंस की इस सिलसिले में वॉलमार्ट से बातचीत चल रही है। वॉलमार्ट से निवेश हासिल कर मुकेश अंबानी रिटेल सेक्टर में सीधे तौर पर अमेजन और डीमार्ट जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। दिल्ली में भाजपा ने 14 जिला अध्यक्षों और 250 मंडल अध्यक्षों के नामों को अंतिम रूप दे दिया है। ये सभी 2022 में नगर निगम चुनाव और पार्टी के विस्तार और मजबूती में मदद करेंगे। सूत्रों ने बताया कि अधिकतर सांसद अपनी पसंद के जिला अध्यक्षों को नियुक्त कराने में कामयाब रहे, मगर पूर्व दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी और रमेश बुधूड़ी अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से बहुत अधिक खुश नहीं है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने दलित नेताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा पिटाई का विरोध जताया है। उन्होंने पार्टी नेताओं की पिटाई का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। आपको बता दें कि लालगंज थाने आगरा और हरदोई की घटना को लेकर नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया था। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बिहार में गठबंधन की राजनीति को वास्तविकता बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जदयू और राजद इसके त्रिकोण हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से किसी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वो अपने बूते चुनाव जीतकर सरकार बना सकते हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव एनडीए के सभी घटक दल मिलकर लड़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। दिल्ली एनसीआर में कैब सेवा देने वाले ओला और उबर के कार चालक हड़ताल पर चले गए हैं। सर्वोदय ड्राइवर्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष कमलजीत सिंह गिल ने बताया कि कोरोना के मद्देनजर कर्ज की किस्त भुगतान पर लगाई गई रोक को बढ़ाया जाए, इसके साथ ही कार भाड़े में इजाफा किया जाए। वही कार चालकों के हड़ताल पर जाने से परीक्षा देने निकले छात्रों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यूपी सरकार ने अनलॉक 4 में लखनऊ मेट्रो को एक बार फिर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने लखनऊ मेट्रो की विशेष व्यवस्था के बीच 7 सितंबर से चलाने की इजाजत दे दी है। वहीं यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने बताया कि मेट्रो संचालन के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अब शनिवार को होने वाला लॉकडाउन खत्म किया जाएगा। प्रदेश में अब केवल रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगे। विकास की योजनाओं को रफ्तार देने के लिए योगी सरकार ने ये फैसला लिया है। ये आदेश इसी सप्ताह से लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी की जा रही थी। 19 सितंबर से यूएई में शुरू होने जा रहे आईपीएल को लेकर अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली हैं। बोर्ड ने कहा कि हमने आईपीएल मैचों के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा एक प्रोटोकॉल बनाया है जो ये सुनिश्चित करेगा कि टीमें क्वारंटीन से गुजरे बिना सीधे स्थानों पर यात्रा कर सकेंगी। बोर्ड ने कहा कि बाहर से आने वाले खिलाड़ियों को क्वारंटीन से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन जो लोग पहले से ही होटलों में हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुश्किलों से जूझ रही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब राहत भरी खबर आई है। अनुभवी बल्लेबाज पॉप डुप्लेसिस टीम से जुड़ने के लिए यूएई पहुंच चुके हैं। उनके साथ तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी भी हैं। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान डुप्लेसिस और तेज गेंदबाज एनगिडी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा हैं, जबकि रबाडा दिल्ली कैपिटल्स की टीम से जुड़े हैं। इन दोनों फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तीनों खिलाड़ियों की तस्वीरें साझा की हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।